दोनों का एक जैसा हो जाएगा, सेम सेम गैग पे। बाय। जब तक होगा तब तक आप लोग देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। मजा So guys, I'm feeling so hot because I'm so hot. Because you are wearing bullshit dark jacket. No, I'm. तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? हम लोग माशाल्लाह अच्छे, उम्मीद करते हैं आप भी बहुत 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 अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला। और अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग का टाइम हो रहा है। अभी हम लोग ऐसे ही बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि कल कहाँ जाते हैं। मेरा बीच में एक से डेढ़ घंटे का ब्रेक है और उस फिंगर्स क्रॉस की हो जाए। तो अभी हम बस जा रहे थे, आज का दिन है फ्राइडे इवनिंग। अम्मी लोग हैं नहीं, बट इंशाल्लाह ताला वो लोग रास्ते में अभी आ जाएंगे, दो तीन घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अभी सब मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा, बने रहिए मेरे ब्लॉग में और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको करने का मन है, एक ही कर दीजिए, दो ही कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बट करिए करिए करिए। तो अभी आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आगे आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, फैजल अभी आया है जस्ट, और हम लोग रेडी हो गए और जा रहे हैं आज हम लोग इवनिंग वॉक पे बहुत दिनों के बाद। अभी समोसा खा के आएंगे। नहीं, मोमोज खाएंगे पनीर वाला। तो हम लोग अभी जा रहे हैं और मतलब ठंडी थोड़ा हो गया है ना, तो जॉगिंग भी करेंगे साथ में, उसके बाद हम लोग खाएंगे मोमोज पनीर वाला है? और हाँ, लेके नहीं आएंगे हम लोग। और मैंने आज बनाया है टमाटर आलू, टमाटर आलू का सब खिलाएंगे। और समंदर का भी टमाटर आलू चेक भी ना हुआ है कि कच्चा है कि पका है। सुना, हाँ। चार सिटी में बोला तो उतार दे, पूरा उतार तुरंत उतार दे, चार सिटी में पता ना कच्चा है कि पके हुआ चेक कर ले। चेक करके आपको दिखाते हैं अपने बिरयानी लेके आ रही है ना, लेके आ रही। और अम्मी अब्बू आ रहे हैं रास्ते में अभी, और उन लोग लेके आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से बिरयानी, जो हमारी जो खलेरी बहन है उसके हाथ में जायका बहुत अच्छा है माशाल्लाह, तो हम लोग के लिए बना के भेज रही है छत्तीसगढ़ से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जॉगिंग करने इंशाल्लाह ताला। आज हमारा फर्स्ट डे है, जब से समंदर आई तब से बोल रही है चलो चलो, हम लोग एक दिन भी नहीं गए, तो अभी आज से एकदम सोचे कि एकदम डेली जाना है चाहे कुछ हो जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, बस आपको दिखाते हैं मेरा जॉगिंग वाला ड्रेस। ये जैसा टेस्ट आ रहा है, हाट ना, तो मुझे जॉगिंग वाला ड्रेस दिखा रही। ये शू पहन लिए है, जैकेट भी पहन लिए क्योंकि बाहर ठंडा है आज, मैं देख लेते हैं। समझे, तुम स्लीपर पहन, जॉगर्स पहन लेना। चलो यहाँ पे आराम कर रहे हैं फैसल, आज इनके एग्जाम का डेट आ गया, जाके पढ़ाई करो, मोबाइल मत देखो खाली। तो चलने से ना ठंडा नहीं लगता, हम लोग को उतना ठंडा नहीं लग रहा जितना घर पे बैठे हुए थे, वो ठंडा लग रहा था कंबल ओढ़ के बैठे थे, और जब बाहर आए तो उतना ठंडा ही नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। तो ये ले लीजिएगा 14 कॉटन के पीछे रखा हुआ है, वो भी ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाला। दिस इज नॉट वॉट इट, ऑरेंज वाला होगा तो वही दे दीजिएगा, ऑरेंज ना ब्लू। हाँ, अपना बिरयानी ले आए, इतना सारा सामान, ये समझ जा रहा है। फाइनली अम्मी अब्बू आ गए और हम लोग सबसे पहले लेकर बैठ गए थे कि चलो देखते हैं बिरयानी कैसा आया है, और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब से कि आए और हम लोग खाए। ये फिश वाली बिरयानी थी जो मेरी खलेरी बहन ने बनाकर भेजा था, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी था, इसका स्मेल तो इतना अच्छा आ रहा था ना, क्या बताएं, देखिए आप लोग, बहुत टेस्टी था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फैसल और आकिब दोनों गए थे कार्ड बांटने के लिए रिलेटिव्स के यहाँ, और ये दोनों सेम जैकेट ट्यूनिंग किए थे बट कलर अलग था दोनों का, और समंदर बैग वैग पैक करके रेडी थी क्योंकि नानी के यहाँ फंक्शन था, तो समंदर और अम्मी जा रही थी, हम कहीं नहीं जा रहे थे, हम घर पर रुकने वाले थे। चली गई उमर, बैग रखा हुआ, इसको अंदर कर लेती टान के। बाहर निकल, अब बंद करे तो। काली
अच्छा लग रहा ना। यहाँ पे दादी करी हम लोग जा रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं घर के लिए पेंट चूज करने के लिए। सो गाइस आप लोग सजेस्ट करो कौन सा कलर। हाँ जब तुम हो जाएगा ना उसके बाद ही वीडियो जाएगा। जब तक हो जाएगा हम लोग चुनने आप लोग गेस कर सकते हैं हम लोग लाइट कलर करेंगे या डार्क कलर लेंगे। और जब तक जब तक होगा तब तक आप लोग देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। बस अभी रात का बज रहा है 8। करो और कमेंट में नहीं आप लोग सोच के रखो कि हम लोग लाइट करा रहे हैं या डार्क कलर करा रहे हैं। कमेंट में बताओ कि हम लोग कैसा करा रहे हैं। आपका स्कूटी पैदल जा रहे हैं हम लोग। क्यों वो पहुंच गए होंगे। नाइट वॉक भी होगा। चल आपका भूख लग रहा है स्कूटी से चल। नो नो चल फ्रेंड्स। अभी ना पेंट चल ही रहा है आप देख सकते हो। पीछे का तो हुआ ही नहीं बस ऊपर का हो गया है माशाल्लाह। यहाँ पे नहीं हुआ है तो ये हमारा पूरा जो रूम है कबाड़ा हुआ है। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे तो बेड लगा लिया है। दादी आ गई हैं। दादी को पेंट के स्मेल से थोड़ा सा दिक्कत है तो अभी हमारा यही बस काम चल रहा है पेंट वेंट हो जाए और फिर दिखाएंगे आपको कैसा कलर आया। और आप बताइएगा कि कैसा कलर हम लोगों ने चूज़ किया। अच्छा लग रहा है पहले वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा था। और ये वाले पे वॉल पे आपने देखा कि वो हम लोगों ने स्टिकर जो लगाया था वो सारा निकलवा दिया है वॉलपेपर जो लगा था। तो इस बार हमारा प्लानिंग है कि पूरा वॉल और सीलिंग सभी सिंगल कलर सेम कलर और बहुत ही लाइट कलर करवाने के लिए। तो पूरा आपको दिखाएंगे कि कैसे हो रहा है और क्या क्या हो रहा है जितना हो सके आपके साथ शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट डे हो गया। मैं वर्क से लौटी थी और मुझे जाना था घर। मैं जा रही थी गोपालगंज क्योंकि सडन कुछ काम हो गया था तो मैं फटाफट से बैग पैक करी। ये मेरा बैग है भाई ने जाके छोड़ दिया था और फिर बाय बस हम चले गए थे गोपालगंज। पेंट हो रहा था बीच में ही छोड़ के गए थे। जाते जाते नाइट हो गया था क्योंकि हम इवनिंग में निकले ही थे और वैसे ही बैठे थे। बट बस वाला जो अकेले वाला जर्नी होता है ना बहुत ही बोरिंग होता है। मैंने चाय वाय पिया था। चाय मुझे कंडक्टर अंकल के तरफ से था ट्रीट था पता नहीं उन्होंने क्यों मेरा चाय का पैसा दे दिया था। मैं गई थी पीने के लिए और बस मैं ऐसे ही बैठी थी रास्ता कभी फ़ोन कभी कुछ यही सब बस कर रही थी। मूवी भी मैंने बैक टू बैक देखा था और फिर फाइनली माशाल्लाह से मैं घर पहुँच गई थी। घर बहुत लेट से पहुँचे थे अप्रॉक्स 9:30-10 के बीच में और फिर हम लोगों ने खाना खाया सो गए। और नेक्स्ट डे मैं रेडी हो गई थी अम्मी के साथ जाना था मुझे मार्केट तो मैं उसी के लिए रेडी हो गई थी और फिर निकल गई अम्मी के साथ मार्केट। मार्केट हम लोग गए थे अम्मी को लेना था कुछ कुछ ज्वेलरी तो बस हम लोग गए थे ज्वेलरी वाले शॉप पर। वहाँ पर कुछ कुछ ज्वेलरी हम लोगों ने देखा। भैया ने हम लोगों को चाय सर्व किया था बहुत अच्छी चाय थी और पिए फिर घर आ गए। और जब घर आए तो इतना अच्छा वाला सरप्राइज़ था मेरे लिए। शिफा और शनाया जो थी अपनी नानी के घर से आ चुकी थी तो हम लोग बैठ के यही सब मस्ती कर रहे थे। ओ ठंडा है ठंडा ठंडा ठंडा। और नेक्स्ट मॉर्निंग शिफा और शनाया को स्कूल जाना था। सैटरडे वाला दिन था बट इन लोगों को स्कूल जाना था तो हम लोग गए थे इन लोगों को स्कूल छोड़ने के लिए रेडी वगैरह करा के भाभी के साथ। शिफा और शनाया दोनों प्ले ग्रुप वाले क्लासेस में है तो इन लोगों का क्लास बहुत ही अच्छा है। क्लासरूम वगैरह और बहुत सारे झूले हैं क्लासरूम में। इन लोग तो जाके बहुत इंजॉय करते हैं और फिर हम गए थे तो हम भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिए थे। इतने दिनों बाद झूला होता है हम भी झूल लिए तो मज़ा आया। छुट्टी
बाबू लोग को स्कूल छोड़ के फिर हम लोग घर आ गए थे, घर आके ब्रेकफास्ट किए और फिर से रेडी हो गए थे और भाभी के साथ मार्केट चले गए थे क्योंकि भाभी को भी कुछ कुछ सामान लेना था और रास्ते में टाइम भी हो गया था, तो शिफा शनाया को फिर हम लोगों ने पिक कर लिया और फिर वहाँ पे पास में डोमिनोज ही न्यू हमारे वहाँ पे खुला है तो वहाँ पे हम लोग चले गए थे पिज़्ज़ा लेने के लिए और फिर बस हाथ पोछो नहीं, मैंने फ़ोन में पोछ ली। जब तक हमारा पिज़्ज़ा बन रहा था तब तक हम लोग बैठ के बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे बाबू लोग के साथ, यही अच्छा था। अच्छा जैसे हर जगह डोमिनोज रहता है वैसे ही बना था बट अच्छा लगा और फिर फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया और हम लोगों ने पिक किया और घर लेके चले गए। उठने के बाद थोड़ा बहुत शिफा शनाया के साथ ऐसे ही थे, हम वहाँ पे मस्ती कर रहे थे और आज ना संडे वाला दिन था, मुझे आज ही पटना भी निकलना था। सुबह 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 मन हो गया चीला खाने का, बेसन भी दिख गया और गैनो वगैरह था तो मैंने सारा चीज़ मिक्स करके बेसन का चीला बनाया था और बहुत ही अच्छा बना था। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वैसा कि इतना अच्छा बनेगा और मैंने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाला था, बहुत अच्छा बना था और सभी ने बहुत अच्छे से खाया। और शिफा शनाया मतलब उसमें मैंने थोड़ा सा मिर्च भी डाला था बट टेस्ट वो इतना तीता नहीं हुआ था। शिफा शनाया ने भी बहुत ही अच्छे से इन्जॉय करके खाया और चाय के साथ हम लोगों ने खाया। चाय के साथ चीला खाओ या कुछ भी खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठ गए थे बाबू लोग के साथ और फिर हम शिफा और शनाया को लेके गए थे मार्केट, तो वो वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। वहाँ पे मैंने कुछ कुछ सामान उन लोगों को मतलब ऐसे कुछ कुछ लिया था बाबू लोग ने। आई वाला एक बार बजा के दिखाओगे ना, अपना अपना बजाओ। फिर चाय पीने का मन हुआ तो मैंने चाय बनाया और फिर ना भाई बहन आ रहे थे समंजर फैसल लेने के लिए तो हम लोग यहाँ पे उन लोगों को कॉल आया कि इंटर कर गए तो आ गए थे यहाँ पे देखने के लिए बट उन लोग थोड़ा सा लेट आए तो हम शिफा शनाया वहाँ पे खड़े होके वेट कर रहे थे कि इन लोग जल्दी आए सामने से दिखे। कौन सा? ये बोल दो, बोलो थैंक यू। कुछ पता है सो फ्रेंड्स अभी हम वर्क से लौट रहे थे, इवनिंग का टाइम हो रहा है, यहाँ पे समंदर भी आ गई है और हम लोग जा रहे हैं कुछ कुछ ऐसे ही चुटपुट वाला सामान लेने के लिए। अभी तो आए हैं हम लोग यहाँ पे, ये वाला शोरूम के पास आए थे, ये वुडलाइन का शोरूम था हाँ एक डेढ़ साल पहले जब हम अपने यहाँ से जैकेट लिए थे तब, और इसी के पास आ गए हम लोग डायरेक्ट। अब पता चला कि यहाँ शोरूम चेंज हो चुका, वुडलाइन बंद हो गया और ये पता नहीं क्या ट्रेंड्स ऑफ इंडिया खुल गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट दूसरे वाले वुडलैंड के शोरूम पे, फैसल भी यहीं आ रहा था बट अब हम लोग जा रहे हैं, उसको भी बोल दिए वहाँ पे आने और हम लोग भी चल रहे हैं तो आप भी चलिए हमारे साथ। कौन था? हाँ ये थोड़ा क्लासी लग रहा कि मेरा बनाना चाहिए था। अच्छा ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहे हैं अपने पिसों के ऊपर में थे। अबे तुम ये 1.25 क्यों ही है, कहाँ जा रही है? पीछे इसका जाए के जैसा कुछ ही तो नहीं आ रहा है। एल मेरे को होता है। अभी हम लोग आए हैं गाइस वुडलाइन के शोरूम में, दूसरा शोरूम जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
जो गर्ल्स वेयर था उसमें देख लिया, अभी हम लोग आए हैं मेल वेयर में, कुछ कुछ फैसल को शू वगैरह देखना है तो हम लोग वही आए हैं, अभी देख रहे हैं। और फैसल फ्री का फेम लेते हुए, फैसल जितना शू है यहाँ पे उसका प्राइस उसको टैली कर रहा ऑनलाइन, और फिर हम लोग देख रहे हैं 3495 ही में दे रहा है, सेम मॉडल ही है, 4000 में 5000 अमेज़न पे, हम लोग फुट वियर में पहुँच चुके हैं जहाँ डॉक्टर शबनम अपना फुट का वियर ढूंढ रही हैं जो इनको हील में मिल नहीं रहा है। अब मेरे बगल में है हमारी सह को होस्ट, नाम बोल रहे हैं, बहुत से ज़्यादा गर्मी लग रहा है मेरे को। कौन सा ब्राउन ली हो, किस वाले में का? अभी तेरे में इतना सो गाइस आई एम फीलिंग सो हॉट बिकॉज आई एम सो हॉट बिकॉज यू आर वेयरिंग पुलिस जैकेट। नो आई एम सो हॉट दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग सो हॉट, सब मुझे यही कहते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी हॉट पीपल अराउंड यू। घंटा हां यू आर फीलिंग हॉट बिकॉज वी आर अराउंड यू। नो बिकॉज वी आर हॉट यू नो। नो आई डोंट नो, समझे एक साइज बड़ा फिश नहीं है, बड़ा फिश निकलने लगे पर खा रही हूँ कुछ, मेरा भी लत हो रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग का कोई भी शॉपिंग नहीं हुआ क्योंकि हमारे साइज़ का कुछ मिल ही नहीं रहा है और हम लोग घर निकल रहे हैं।